नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भारतीय इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिखता है बिहार। चाहे वो बात रामायण काल में देवी सीता के जन्म से जुड़ी हो या महाभारत के दौर में राजा जरासंध के। बिहार की धरती ने ही अशोक के रूप में दुनिया को पहला सम्राट दिया था। लिच्छवी राजाओं के जरिए संपूर्ण जगत को पहले लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा से अवगत कराया था। भगवान बुद्ध से लेकर महावीर की भूमि बिहार, जहां सबसे बड़े घमासान के लिए जमीन तैयार हो रही है और सबसे बड़े जंग में हर महारथी अपना सबसे धारदार हथियार आजमाने की कोशिश में। ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि आखिर किसके दावों का रंग कितना चोखा होगा और किसके वादों का रंग सिर्फ और सिर्फ धोखा होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल और भविष्य की संभावनाएं जिंदा रखने के लिए इस खेल को अंतिम क्षण तक खेलना सियासतदारों की मजबूरी भी है और जरूरत भी। इस नई संभावनाओं की प्रयोग स्थली बन रहा है बिहार। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते जनता जब कोपाकुल में रुकती चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की धर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली के रामलीला मैदान से बिहार के बेटे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के मुख से फूटी तो एक सफदरजंग रोड पर बैठी इंदिरा गांधी की गद्दी तक हिल गई थी। आंदोलन की ये भूमि बिहार इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिखने में हमेशा आगे रहा है। जब जेपी ने 5 जून 1974 के दिन पटना के गांधी मैदान में औपचारिक रूप से संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, तब इसमें कई तरह की क्रांति शामिल हो गई थी। इस क्रांति का मतलब परिवर्तन और नवनिर्माण दोनों से था। हालांकि एक व्यापक उद्देश्य के लिए शुरू हुआ जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन बाद में दूसरी दिशा में मुड़ गया था। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना और जनता पार्टी की सरकार को लाना ही नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव करने का था। साथ ही यह आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी था। जेपी के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में सामाजिक न्याय और जाति विहीन समाज की परिकल्पना की गई थी। इस आंदोलन के कारण उस समय युवाओं ने अपने नाम में सरनेम लगाना छोड़ दिया था। हालांकि ये सब बहुत दिन तक नहीं चल सका और भारतीय राजनीति में जात के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों की बहुतायत हो गई। इसके बाद ही देश में लालू, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता उभर कर सामने आए। 1967 में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री पद पर अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया था। इस दौर में अंग्रेजी में फेल मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं कहकर उड़ाया जाता था। 1977 में मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू किया तो उन्हें दो वर्गों में बांटा, एक अति पिछड़ा वर्ग और दूसरा पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग को 12 और पिछड़ा वर्ग को 8% आरक्षण दिया गया। जेपी की पाठशाला से निकल लालू, सुशील मोदी, नीतीश और पासवान या फिर कर्पूरी ठाकुर के हाथों में सूबे की कमान, उस दौर से ही जात की राजनीति बिहार में इतने गहराइयों से धसी कि उससे पीछा छुड़ा पाना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। क्या है बिहार चुनाव का महत्व? बिहार भारत की तीसरी सबसे आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10.4 करोड़ थी। बिहार की आबादी ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की आबादी से अधिक है। इस चुनाव में लगभग 7.29 करोड़ लोग वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बिहार कई मायनों में भारत के अधिकांश राज्यों से अभी काफी पीछे है। यहाँ के ज्यादातर युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रवासी मजदूर नंगे पैर और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बिहार में अपने अपने गांव लौटने को मजबूर हुए, उससे देश में बिहार की दर्द भरी छवि और सच्चाई भी उजागर हुई है।
इस चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ने वोट बैंक को लुभाने के लिए वैसे तो तमाम वायदे किए हैं। अब देखना है कि बिहार के लोग किसकी सरकार बनाते हैं। 2015 में उस वक्त अजय कहे जाने वाली बीजेपी और मोदी काल में के सबसे बड़े चुनावी घमासान में बिहार ने पटकनी दी थी, लेकिन इस बार नीतीश की जदयू भाजपा के साथ है और लालू प्रसाद की राजनीति से नदारद है। क्या बिहार में इस बार भी कोई आश्चर्यजनक परिणाम देखा जा सकता है या देखने को मिल सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2015 के बिहार सभा चुनाव में 58% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार का चुनाव कोरोना महामारी के बीच हो रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर चुनाव में कोरोना का असर भी दिखेगा। ऐसे में देखना है कि राजनीतिक दल और इनके कार्यकर्ता कैसे पर्याप्त संख्या में मतदाताओं को बूथ तक ला पाते हैं। बीजेपी के प्रतिबद्ध कैडर को देखते हुए विपक्ष के लिए कम मतदान से बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर शहरी वोटिंग में अधिक गिरावट होगी। यहां भाजपा मजबूत है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 56 उच्चतम मतदान दर्ज किया गया था। कोरोना संकट के कारण दुनिया भर के 70 देशों में चुनावों को टाला गया है। बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के चुनाव को कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव भी बताया था। कोरोना को देखते हुए 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को देने और चुनाव के दौरान कभी 46 लाख मास्क, करीब 46 लाख मास्क और 6.7 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 7 लाख से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर यूनिट की व्यवस्था की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। मतदाताओं के लिए 7.2 करोड़ सिंगल यूज्ड हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई। चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार करना हो, बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकती। इसके अलावा नामांकन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकती। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की आक्रमण चुनावी कैंपेन, जिसके आगे विरोधी भी आहें भरते थे, रैलियों में लोगों का हुजूम और अपने अंदाज में चुनावी सभा में समा बांधने वाले एक से बढ़कर एक राजनेता, लेकिन इस बार ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में ज्यादातर आबादी इंटरनेट एक्सेस से अभी भी दूर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए डिजिटल मीडियम के जरिए अपनी बातें उन तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में क्या प्रवासियों जो घर में हैं अनुमानित 25 लाख दूसरों की तुलना में डिजिटल के साथ अपनी परिचितता को निर्णायक साबित कर सकते हैं, ये देखने वाले और आज बिहार चुनाव के आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।